I'm from UK, England, born and bred in England. I have been here. लाठी बरसती है, पानी की पिछाड़े गिरती है, तो हमने कुत्ती मर गया। हाय हाय, काले कानून। हाँ जी, अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ा रेडी वेडी हो जाऊँ। और मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल में, मीडियाज़ के चैनल में देखा था कि वहाँ पे थोड़ा खालिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुछ होता तो कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बाकी तो वहीं चल के बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ सिंघू बॉर्डर, क्योंकि एडिटिंग में कहीं भी हम जाना होता जल्दी पहुँच जाते हैं। यू नो एडिटिंग के सस्के मेरे ब्लॉग में मिलते रहते हैं, तो थोड़ी सलाम दुआ कर लेते हैं। सत श्री अकाल जी, कैसे हो सारे? सब कुछ बढ़िया? घर पर मौज ले रहे नहीं ले रहे? तो आज हम यहाँ को थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये मोदी सरकार न्यूज के माध्यम से हमारे को आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। हम क्या हम खालिस्तानी दिखाई देते हैं? क्या हम आतंकवादी दिखाई देते हैं? हम एक किसान के बेटे हैं और हम देश। हाँ जी, बस आप थोड़ी सी डिमांड करो, आपको हर जगह पे लंगर की सेवा सुविधा सारी अवेलेबल है, बस आप डिमांड करो। चाहिए क्या? यहाँ मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली लंगर की सेवा है, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। यहाँ पे फर्स्ट एड किट की, कौन सी दवाई चाहिए उसकी, हर चीज़ की दवाई की फैसिलिटी भी सारी है। तो राजमा चावल कैसे बने थे? एक नंबर। स्वाद आया? एक नंबर। मैं कह थोड़ा और ले ले भाई, कम है भाई, कम है। ओ भाई साहब, शक्ल तो दिखाओ। ओ भाई, अपने आप डाला मैंने कोई। चाय कैसी कुणाल, चाय कैसी है? अरे थोड़ा मन से बोलो भाई। यार मैं कह रहा था ये जगह जो है कवर अप करने के लिए 9 किलोमीटर तक है, और ये मैं इतना कवर अप कर नहीं पाऊंगा। तो अगर कुछ चीज़ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, क्या पता नेक्स्ट टाइम आके कवर अप कर दूँ। अच्छा व्लॉगर। इतना पैदल चल लिया मैं कि अभी चाय की जोत है। चाय पियोगे मेरे साथ? हाँ जी, मैं इंडिया में रहता हूँ, और देखो मेरा पंजाब कितना हाईटेक है। रोटी बनाने वाली मशीन देखी आपने? तो आज मेरे को यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि बैक इन 2019 वाली, कि मतलब प्री कोरोना टाइम वाली वाइब आ रही है। आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। हाँ जी, तो मैं आया था थोड़ा आगे वहाँ पे टहलने के लिए, तो मेरे को एक सर मिले, सर का नाम रणधीर है। तो सर थोड़ा बताएंगे अपने बारे में? सतश्रीकाल, नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, बिजी एज एवर, वेरी वेरी बिजी। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यूके, इंग्लैंड, बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड। आई हैव बीन हियर फॉर ओवर अ वीक नाउ। आवर टीम्स, इंडिया टीम्स, Team Rajasthan and Team Punjab has been here just over 2 weeks and been working tirelessly, providing langar, medical langar, giving massages to our kisan brothers, sisters, mothers and fathers who have been here for over 2 months. Yes sir, excellent job. Lekin hum to aaye the pichle aitwar aaye the. So hum to seedha yahan par aaye. वैसे तो मैं यहाँ पे अकेला आना था।
वैसे तो मैं यहाँ पे बोल रहे वैसे तो मैं यहाँ पे अकेला आना चाहता था, पर कुणाल का यहाँ पे आने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ पे कुछ अच्छे पिक क्लिक्स करूँ, जो लोग कर रहे हैं, जो जिनकी हेल्प कर रहे हैं क्लिक करूँ और आप तक पहुँचाऊँ और बाकी सब बढ़िया। वैसे तो मैंने आपके कहा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी, आई होप आपने जितना देखा होगा आपको अच्छा लगा होगा। और अब कुणाल को ठंडाई वाली भूख लग रही है भाई, इतना खाने पीने के शॉट दिखा दिए, अब इसका कुछ मन ही नहीं है बोलने का। लोगों से एक गिलास नहीं संभलता ये भाई, सब दो दो गिलास पियेंगे अभी। व्हाट अ लाइफ। जब नॉन स्टॉप लंगर की सेवा चलती है तो थोड़ा बैक की रसोई का हिस्सा दिखा दूँ, मतलब रसोई नहीं जहाँ पे सारा खाना तैयार होता है वो दिखा दूँ आपको थोड़ा। हाँ जी, ये तो ये बात है हमारे किसान भाइयों को भी जो दिल्ली में धरना लग रहा है। हाँ जी, और जितना भी पंजाब का, हरियाणा का, यूपी स्टेट का, उत्तराखंड का, जितना भी किसान भाई है, जो जितना भी बॉर्डर पड़ता दिल्ली का, हाँ जी, वहाँ पहुँचने के लिए उनका धन्यवाद है। जो हमारे यहाँ पर कार सेवा वाले संत है जो उसे दे रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, और जो जिसने मोदी सरकार ने 3 एडिशन तैयार किए हैं वो किसानों के लिए बहुत तो मालूम होता है। इनके लिए जब ये एडिशन चल जाएगा, ये तो यूपी स्टेट के किसानों से पूछ लीजिए भी इसका क्या फ़ायदा क्या लाभ है। जो अपने तो किसान तो जाएगा, किसान का क्या मरेगा, किसान तो अपने खाने के लिए खाना तैयार कर लेगा, पर जो पब्लिक है इनके लिए किसान तो क्या मरेगा, किसान मरेगी तो आम जनता। बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जो लोग अमीर हैं उनकी हालत खराब होगी, हमारा क्या होगा। हम तो जो 10 किले का खेती करता है, हमने हालात है जो हमारी यार कौन सी खुशी है, हम घर छोड़ के ठंड में आकर यहाँ ट्रालियों में पड़ते हैं, हम अपने घर छोड़ के पड़ी है, जो बुजुर्ग माता है बच्चे हैं क्या इनका क्या दोष है, लाठी बरसती है, पानी की पिछाड़ें गिरती है, तो हमने शौक से नहीं है पर आए, हमारी मजबूरी है। मैं यहाँ पे कम से कम 2 बजे करीब आया था, अब 5:30 हो रहे हैं और मैं घर जाके बातें करता हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी, तो चलो घर में चलते बस। एंड मैं घर पे वापस आ गया हूँ और मैंने मीडिया के चैनल में, न्यूज़ के चैनल में देखा था कि वहाँ पे खालिस्तान के एजेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप खुद नहीं जाओगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक आपको किसी बात को जज नहीं करना चाहिए। और ये बहुत लंबी रेंज में था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी पर फिर भी कमी रह जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करें मेरा मत जाना, कमेंट में अपने थॉट बताना, अपने किसी एक दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो मेरे को यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले थे, वो कुछ कहना चाहते हैं। मोदी मर गया, हाय हाय, काले कानून, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। मोदी मर गया, हाय हाय, काले कानून।